का एक खुशी का रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द क्वेश्चन इज कि अगली गाड़ी कौन सी लेंगे हम। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डोंट डू इट एट होम। आप बताओ है समझदारी वाली बात ये? तो अपने घर में जेल में बंद है। हिंदी में एक शब्द है जिसका नाम है विरोधाभास, यानी अंग्रेजी में बोलो तो पैराडॉक्स। यानी तो दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में जिनका कोई मेल नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल। क्या खतरनाक धूप निकली हुई है, बाहर देखा नहीं जा रहा। वन मोर एंड नाउ आई हैव टू शो यू माय डोर, लुक केयरफुली। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये जहां पे ताला लगता है इस जगह के ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये जो डोर का जहां पे लॉक लगता है, ये मेटल का पार्ट क्योंकि बाहर ठंड से एक्सपोज होता है और ये घर के अंदर आ रहा है। ये इतना ठंडा है कि घर के अंदर का जो मॉइस्चर है वो इस पे जम रहा है और बर्फ जम रही है। आज यहाँ पे -19 degrees टेम्परेचर है, फील्स लाइक -23, -24, कई कई जगह पे -25 भी है। गजब वाली ठंड है। टू स्टार्ट अवर डे आई नीड अ कॉफी। आज सुबह से शनिचर चढ़ा हुआ है, आज शनिवार है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शनिचर चढ़ा हुआ? अब बच्चों को समझाऊंगा आज मैं शनिचर चढ़ने का क्या मतलब होता है। आज के दिन का कोई प्लान नहीं है हमारा, इतनी ठंड है, कोई प्लान नहीं किया हम लोगों ने, कहीं नहीं जा रहे, घर ही बैठे हैं आज सारा दिन। विल सी हाउ वी कैन मेक एन इंटरेस्टिंग व्लॉग सिटिंग एट होम। कल रात को बने थे छोले चावल, वो बच्चे हैं ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं कल रात वाले छोले चावल। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, टेस्ला आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ ना चलाऊँ। वी आर मेनली ड्राइविंग होंडा, बट कोशिश ये कर रहे हैं कि टेस्ला का तो बेच ही दें और हो सकता है हम ये होंडा को भी बेच देंगे। एंड आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि मैं टेस्ला को बेच के अगर बेच देंगे तो कौन सी गाड़ी लेंगे। बट पहले डिस्कस करते हैं कि वाई आर वी थिंकिंग अबाउट सेलिंग टेस्ला। सी, हमने ये टेस्ला ली थी आज से 2 साल पहले एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट कार, जिसको ड्रीम कार बोलते हैं। फीचर्स, अच्छा क्विकली फीचर्स याद आया, मैंने अपनी कई किसी वीडियो में आपको ये फीचर नहीं दिखाया। अब ये फीचर आप देख के बताओ कैसा है। ये गाड़ी की चाबी है, ये गाड़ी की चाबी रख लेता हूँ मैं अपनी जेब में, ठीक है, जेब में रख ली, हाथ बिल्कुल खाली। अब मान लो मैंने अपने हाथ में कुछ सामान उठाया हुआ है एंड आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द कार, सी व्हाट हैपेंस। कंफर्ट, इलेक्ट्रिक है, सो नो पोल्यूशन, सो सारे चेकबॉक्स हमारे पूरे होते हैं। सो वाई आर वी सेलिंग इट? देयर इज़ वन माइनर प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम इस गाड़ी की नहीं है। बेसिकली जो बैटरी है दैट, उसकी जो रेंज है दैट इज़ 380 किलोमीटर्स, जो कि अगर सिटी में मेरे को ड्राइव करनी हो मोर देन इनफ है। एक दिन कभी भी नहीं होता कि हम 380 किलोमीटर्स इसको ड्राइव करें। हम यहाँ से नायग्रा फॉल्स जाके वापस आ जाते हैं, हमारी एक ही बैटरी में हमारा काम चल जाता है। सो लोकल में हमारे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमारे को लगती है, वो लगती है लॉन्ग ड्राइव्स पे। सो आज से 2 साल पहले हम लोग फ्लोरिडा गए थे, यहाँ से टोरंटो से गाड़ी ड्राइव करके अपनी टेस्ला पे, इलेक्ट्रिक पे। रास्ते में, उसका वैसे लिंक भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रास्ते में लगभग 10 बार हमारे को गाड़ी चार्ज करनी पड़ी। अब हालांकि रोज़ रोज़ 2,000 किलोमीटर की ड्राइव पे तो कोई नहीं जाता, वो दो तीन पिछली बार भी 2 साल पहले गए थे, बट हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये जो कोविड है इसके नंबर्स कुछ कम हो जाएं तो फिर हम उसके बाद कुछ रोड ट्रिप वगैरह स्टार्ट करेंगे। वी आर जस्ट वेटिंग। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी लंबे चौड़े प्लान्स हैं, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगा। सो हमें लग रहा है कि ये वाली जो टेस्ला है हमारी, ये थोड़ी इनएडिक्वेट रहेगी। सो इसीलिए हम पिछले 1 साल से सोच रहे थे कि हम बड़ी बैटरी वाली टेस्ला ले लें, ताकि जो लॉन्ग ड्राइव्स हैं वो हमारी थोड़ी अच्छे से हो जाएंगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगली गाड़ी कौन सी लेंगे हम।
सो उसके लिए ये है कि एक गाड़ी हमने ऑलरेडी बुक कर दी है विच इज़ द सेम मॉडल एक्स 2022 वर्जन। ये है मेरी वाली टेस्ला, ये जो मैंने नई ऑर्डर करी है टेस्ला मॉडल एक्स 2022। एक्चुअली जब नया साइबर ट्रक आया था मैंने उस टाइम वो भी ऑर्डर कर दिया था, मेरा ज़्यादा मन साइबर ट्रक खरीदने का था विच वॉज सपोज टू कम इन 2022 बट ये अगले साल के लिए और पुश हो गया। सो आई डोंट इवन नो ये कब आएगा और लाइन में मेरा नंबर कितना पीछे है। सो आई एम नॉट रियली होपफुल कि ये साइबर ट्रक मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने नए वाली टेस्ला मॉडल एक्स बुक कर लिया, बट इसका भी अगेन मुझे नहीं पता कि ये कब जाके मेरे को डिलीवर होगी। जो ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ उसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर्स की है, सो होपफुली उसमें हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। बट द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ कि गाड़ियों पे इतना ज़्यादा डिलीवरीज पे बैकलॉग चल रहा है कि एक एक साल की वेट करनी पड़ रही है। सो जो हमने अभी नई मॉडल एक्स बुक की है मोस्ट लाइकली 8 to 10 मंथ्स में हमारे को मिलेगी। सो अब ये सवाल उठता है कि हमारे को जो अगली टेस्ला मिलेगी उसमें 8 से 10 महीने लग जाएंगे, तो मैं अभी से अपनी गाड़ी बेचने के लिए क्यों सोच रहा हूँ? और उसके पीछे रीज़न क्या है कि इस टाइम मार्केट में यूज्ड टेस्ला है ही नहीं, लाइक ज़ीरो, ड्रॉट पूरा सूखा पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का लोग जो बेच रहे हैं। न्यू टेस्ला का रेट जो है वो टेस्ला ने बढ़ा दिया नई गाड़ियों का, तो इस वजह से क्या है कि और नई गाड़ियाँ मिल भी बहुत लंबे टाइम में रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है यूज टेस्ला की और प्राइजेज़ जो हैं सबके 15 से 20% ऊपर चले गए हैं। क्योंकि मेरी टेस्ला जब मैंने खरीदी थी टेस्ला से डायरेक्टली, तो उन्होंने 4 ईयर की बम्पर टू बम्पर वारंटी दी थी, और इतनी जो एक्सपेंसिव कार्स होती हैं इसमें वारंटी की बहुत वैल्यू होती है। एंड देर इज़ नॉट अ सिंगल कार इन US राइट नाउ जिसमें आपको जो कि लोग बेच रहे हैं जिसमें वारंटी हो, कोई भी नहीं बेच रहा। सो उसने मुझे ये सलाह दी मेरे फ्रेंड ने कि तू अपनी गाड़ी अभी बेच दे, क्योंकि जो तेरे को दाम अभी मिलेगा, एक तो नई गाड़ी महंगी मिल रही है तो थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा, और जो अभी प्राइस मिल सकता है वो कभी नहीं मिलेगा, तो अपनी गाड़ी बेच दे इवन दो तुम्हारे को नई गाड़ी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। तो 2-3 लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, हो सकता है कि इस हफ्ते टेस्ला मॉडल एक्स विल गो अवे, बट घर में कोई भी रेडी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, शुड वी सेल मॉडल एक्स राइट नाउ? इधर आके बताना, शुड वी सेल मॉडल एक्स राइट नाउ और कीप इट? बेचनी क्यों है, रख लेंगे जब तक चल रही है। मुझे लग रहा है कि अब हमने नेक्स्ट बुक कर दिया और इस वाली को कोई अच्छे दाम में ले लेगा, तो क्यों ना बेच दिया जाए। नेक्स्ट जब मिल जाएगी तो बेच देंगे। चेयर देखे, ओ यार ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जमी हुई है क्या? हाँ। जाएगी ऊपर से अंदर दस जाइयो। नहीं ऊपर जाऊंगी नहीं मैं। मैं जाऊँ? नहीं। Why? ये देख। पूरी जमी हुई है यार। It's all frozen। दस गई अंदर तो बैठ। भाई वो वाली वीडियो तो बहुत बढ़िया बनेगी। America's funniest video। Funniest video? हाँ। Funny नहीं होगी वो। ये देखो लोगों के पैरों के निशान है जहाँ तक वहाँ तक तो। नहीं नहीं रुक जा यार, प्लीज 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 मत जा। अरे मत जा, रुक जा, नहीं समझ में आ रही तेरे को? हमारे को इतना पता नहीं है, कोई समझदार आदमी हो तो फिर हम उससे पूछ के यहाँ जाएं यार, हमें पता नहीं। मैं इससे लेता हूँ, कैमरा से लेता हूँ फोटो। फोटो मिलती नहीं है। अभी दे दूंगा। वैसे मैं साक्षी को मना कर रहा था, मैं खुद भी फ्रोजन लेक पे आ गया हूँ यार, डर लग रहा है यार, फंस गए ना देख। अच्छा एटलीस्ट एक बंदा जाए, दूसरा कोई उसको बुला तो सके। रुक जा, मत जा और आगे, प्लीज प्लीज मत जा, सुन मेरी बात गुड्डू। अरे धस जे, आगे आगे वो हो सकती है यार, पागल बनी जा रही है। आप बताओ है समझदारी वाली बात ये? आ जा पागल, दो बच्चों की माँ है तू, आ जा। देख उधर तो देख, बिल्कुल ही वो लग रहा है, इस तरफ पीछे लग रहा है पिघला हुआ है पानी, यहाँ तो क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से गर्म पानी आ रहा है। बट यार पहली बार मैं तो वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है ये टूटने नहीं लगी, क्योंकि बहुत दिन से -10 -15 टेम्परेचर चल रहा है, तो पक्की बर्फ जमी हुई है। बट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है,
डोंट डू इट एट होम, ओके। वैसे तो आपके घर में इतनी बर्फ होगी नहीं, बट हो तो भी मत करना। क्या बढ़िया ये पक्षी जा रहे हैं फॉर्मेशन बना के। It smells so nice. It's spicy. It's not spicy. बेकार है, मुझे तो बढ़िया लगा। Okay, little spicy at all. Okay, a little bit change in plan. पहले हम लोग सोच रहे थे घर से बाहर आज नहीं निकलेंगे, बट अब जा रहे हैं। इंडिया से कुछ सामान आना था, वो आ गया। आ तो बहुत पहले गया था वैसे, कई दिनों से हम उसे ले नहीं पा रहे थे, आज हम उसे ले पाएंगे। तो लेट्स गो गेट अवर स्टफ। मेनली मिठाई है, और मिठाई का एक खुशी का रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं नहीं निकल गए, निकल चुके हैं। नहीं नहीं, सुबह सुबह अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर सिटी ना बहुत काम आएगी बाद में, अभी कोई काम नहीं आएगी सिटी तेरे। इंडिया में सिटी क्या काम आती है बता? इसको सिखा रहा हूँ सिटी क्या काम आती है, इंडिया में काम आती है, यहाँ नहीं काम आती। आप गाइस कमेंट करके बताओ कि आपने कभी सिटी यूज करी है, मतलब प्रॉपर काम लाए हो सिटी से। वो ये बता, दिस सिटी हैज अ मीनिंग, यू नो, दिस सिटी, दिस विसल, लिसन टू मी, दिस विसल हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। इनको कैनेडियन बच्चों क्या बता इस सिटी का क्या मतलब है, क्यों? What does it mean? नहीं कुछ then नहीं, that isn't even whistling. ऐसे नहीं आता। I know. इस सिटी का मीनिंग है क्या बेटा? जब तू बड़ा हो जाएगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन कम ऑन। ओपन हो गया। हम लोग आ गए हैं अमित शिल्पा के घर। अमित शिल्पा अभी अभी इंडिया से होकर आए हैं और हमारा कुछ सामान लेकर आए हैं। आपको बताया था इंडिया वाला घर बेचने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो घर बिक गया, तो मम्मी पापा ने मिठाई भेजी है इंडिया से अमित शिल्पा के हाथों। ये पता लग रहा है ये इंडिया से आई है, इंडिया की स्पेशल है ये तो। हाँ पता चल रहा है ये। हेलो रमेश, कैसे हो? Hello. Hello. Dishum, Dishum. Hi, upstairs Sam. Let's see who is strong. Yeah. Oh, bhai saab. कितनी के बार हमने 15-15 दिन का क्वारंटीन किया है, बट अब तो नहीं कर रहा ना कोई भी क्वारंटीन। हम वैसे बहुत जल्दी आ जाते, नेक्स्ट डे ही आ जाते वैसे तो, जब ये लोग इंडिया से आए हैं, बट अब आए हुए कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए आपको आए हुए। 8 दिन के बाद जाके अब कोविड रिपोर्ट आई है। क्या
क्या हालत चल रही है। हमारी पॉजिटिव आती ना तब भी हमारा क्वारंटीन ऑफिशियली खत्म हो जाना था। अगर आप पॉजिटिव हो यहाँ पे कनाडा में रहते रहते तब भी 7 दिन क्वारंटीन करना है आपको, और ये 8-8 दिन तक रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते ना उस टाइम पे जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तो अपने घर में जेल में बंद है। कॉल करके उनको बोला था कि भैया रिपोर्ट आप नहीं भेज रहे हम निकल जाए, जब तक नेगेटिव नहीं आएगी तब तक नहीं निकलना। नहीं, यहाँ पे जिन लोगों को कोविड हो रहा है उनको बोलते हैं आपने 5 दिन है। यूएस में तो 5 दिन कर दिए। नया आया ना मेरे ऑफिस से भी आया एक मैंडेट कि 5 दिन का है उनका। हाँ, जिनको कोविड हो गया उनको 5 दिन रुकना है, जो बाहर से आए हैं उनको जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक रुकना है। क्या ये भी ना क्या आपको पता ना मिठाई किस लिए खाने के लिए? इंडिया वाले घर की रजिस्ट्री होगी, बिक गया वो। कांग्रेचुलेशंस मिठाई लो जीजू। वैसे लोग आज करोड़पति हो गए हो, वैसे भी हो। वैसे नहीं, वैसे लोग खरीदने पे खिलाते हैं, हम बेचने पे खिला रहे हैं। कितना तो रवीश को जयमाला कराने के लिए नहीं कूदना होगा। ए जिसका काम उसी को साजे। पीछे वाला कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है, दोनों तरफ अलग अलग है ना इसके। नीचे टांगो, बच्चे ऊपर कहाँ थ्रो करेंगे? तो नीचे चढ़ा नहीं आप? क्या बात कर रहे हो यार, ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा। चल चलो भाई थ्रो कर। यो चिकू आउट, 0 points आउट ऑफ बाउंड्री, 0 points। ये मम्मी ने जब मैं यहाँ पर, मेरा तो तेरे से भी बेकार गया।